नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। भाजपा की सरकार प्रदेश में जब भी होती है तब गुर्जर समाज के विरोध का सामना जरूर करना पड़ता है। भजनलाल सरकार ने गुर्जरों को साधने के लिए भरसक प्रयास तो किए, लेकिन चुनाव के नतीजे आने से पहले ही साफ हो गया कि गुर्जर समाज भाजपा से अब भी नाराज ही है। इसका ताजा उदाहरण प्रहलाद गुंजल के समर्थन में उतरा पूरा समाज है। पूरा गुर्जर समाज अब खुलकर सरकार को चुनौती देते हुए नजर आ रहा है। समाज ने अब 4 जून के बाद बड़े आंदोलन करने के संकेत दिए हैं। हाड़ौती महापंचायत ने पूरे गुर्जर समाज से 4 जून को मतगणना स्थल के बाहर एकत्रित होने के लिए आग्रह किया। गुंजल के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोग कई तरह के पोस्ट कर रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा कि कांग्रेस नेता श्री प्रहलाद गुंजल जी पर राजनीतिक द्वेषतापूर्ण के कारण की जा रही कार्यवाही का हाड़ौती के समस्त गुर्जर समाज ने महापंचायत करके विरोध जताया। 4 जून के बाद संपूर्ण हाड़ौती का कांग्रेस जन सड़कों पर होगा। एक अन्य ने लिखा कि कोटा बूंदी लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के समर्थन में गुर्जर महापंचायत को अब गुर्जर एकता के साथ प्रहलाद गुंजल के साथ है। भाजपा पार्टी इस घटना में भेदभाव की राजनीति नहीं करे। एक अन्य यूजर ने लिखा कि कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल पर राजनीतिक द्वेषतापूर्ण के कारण की जा रही कार्यवाही का हाड़ौती के समस्त गुर्जर समाज ने महापंचायत करके विरोध जताया। 4 जून के बाद संपूर्ण हाड़ौती का कांग्रेस जन सड़कों पर होगा। ऐसे कई पोस्ट गुंजल के समर्थन में लगातार किए जा रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि गुर्जर समाज अब एकजुट होकर भजनलाल सरकार की मुश्किलें खड़ी करने के मूड में दिखाई दे रहा है। ये पूरा मामला क्या है वैसे तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन तब भी आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों कोटा जिले में स्थित बावड़ी खेड़ा गांव में यूआईटी की जमीन पर अवैध खनन का आरोप लगाते हुए गुंजल और उनके भतीजे लोकेश गुंजल के खिलाफ में रामपुर थाने में FIR दर्ज की गई थी और इसी के विरोध में पूरा समाज गुंजल के समर्थन में उतर आया है। अब देखना होगा कि 4 जून के बाद गुर्जर समाज क्या फैसला लेता है। तो उस पर आपके विचार भी हमारे साथ में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।